हाय हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल एचयूएल जगदलपुर माइंडसेट लीके। आज हम प्रोडक्ट रिव्यू अनबॉक्सिंग करेंगे एक प्रीमियम लैपटॉप के बारे में, जो मिड रेंज प्रीमियम लैपटॉप बोल सकते हैं। अगर आपको ऐसा लैपटॉप चाहिए जो अफोर्डेबल हो, फीचर्स जिसमें ज़्यादा हो, लाइट वेट हो, ईजी टू कैरी हो, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन हो, रैम जिसका ज़्यादा हो बेटर परफॉर्मेंस के लिए, बैटरी बैकअप जिसमें ज़्यादा हो, और आपको ऐसा लैपटॉप चाहिए जो आपके बजट में आ जाए, तो हम आज उस लैपटॉप रिव्यू करेंगे जिसका मॉडल नंबर है एचपी पवेलियन 14 DV2014। यस, याद रखिएगा DV2014। आई थिंक सबसे ज़्यादा बिकने वाला लैपटॉप है एचपी का, सबसे ज़्यादा जब से लॉन्च हुआ है, 2-3 साल लॉन्च हुआ है इसको, और अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए सेलिंग के मामले में। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो पहले अनबॉक्सिंग देखिए, ये बॉक्स है DV2014। काफ़ी अच्छा है इसमें इसका रिव्यू, उसका बॉक्स हम करेंगे आज। अगर आप एक स्टडी पर्पज़ से लेना चाह रहे हैं, आपको नया लैपटॉप सीखने के लिए ले रहे हैं, आपको डिज़ाइनिंग करना है या ऑटो कैड में काम है या आपको लाइट एडिटिंग का कुछ काम करना है, तो आप डेफिनेटली इस लैपटॉप को ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप है इसका, बहुत फीचर्स है इसमें, कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं, ये इसका अनबॉक्सिंग करते हैं हम। सबसे पहले इसको देखो आप, कितना शानदार लैपटॉप है ये देख रहे हो आप, कितना बेहतरीन, मतलब जस्ट 1.41 kg इसका वेट है, 2 किलो से भी कम का वेट इसका वेट है, और ये कितना बेहतरीन दिख रहा है, मतलब प्रीमियम और सोफिस्टिकेटेड लुक में दिया गया इसका डिज़ाइन। फुल HD IPS डिस्प्ले है इसका, ISAF टेक्नोलॉजी है, HD ट्रू विजन 720 पिक्सल का एक कैमरा है जो TNR के साथ है। अगर आपको जूम मीटिंग कर रहे हैं, आपको मीटिंग चल रहा है या आप लगातार इसमें काम कर रहे हैं, तो ISAF टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, टेम्पोरल नॉइज रिडक्शन इसमें टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, जिससे कि आपको अगर मीटिंग वगैरह आपका कॉन्फ्रेंस चल रहा है तो आपको बाहर का नॉइज जो है इसमें कम सुनाई देगा सामने वाले को, और ISAF है ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको लगातार 7 से 8 घंटे काम करना है तो हेडेक का सिर दर्द इसमें कम होगा, है ना। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए आप डिज़ाइन, सबसे पहले आप देखिए पवेलियन यहाँ पे एम्बलम दिया गया है जो कि बेहतरीन अट्रैक्टिव लुक देता है इसका। आपका नीचे का वेंटिलेशन दिया गया है इसमें, और डाउन फायरिंग स्पीकर है, बीनो का ऑडियो क्वालिटी है, डाउन फायरिंग स्पीकर जिसको बोलते हैं, काफ़ी अच्छा आता है इसमें। प्रोडक्ट की बात करें तो 14 इंच का डिस्प्ले है, 14 इंच काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, वेट काफ़ी कम है, आपको बैग में रहेगा लैपटॉप तो आपको पता भी नहीं चलेगा लैपटॉप है कि नहीं इसमें, ऐसा करके। बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया है इसमें, ऑनबोर्ड पावर बटन है इसमें कीबोर्ड में जो कि मैच होता है इस लैपटॉप से, बहुत बेहतरीन लुक है। फिंगरप्रिंट दिया गया है एडवांस सिक्योरिटी के लिए, आयरिस एक्सी ग्राफिक्स है, i5 12 जेन प्रोसेसर है, 16 GB रैम के साथ आता है, मतलब डुअल चैनल मेमोरी है इसमें। आप डुअल चैनल इसलिए कि 8 के 2 GB 3200 MHz के रैम लगा हुआ है, आप इसको अप टू 32 GB तक आप एक्सपेंड इसको कर सकते हैं। 512 GB का SSD है, लार्जर ट्रैक पैड है फॉर बेटर एर्गोनॉमिक्स के लिए, ओके। आपका इसमें USB 3.0 है और Type-C एक पोर्ट दिया गया है, एक HDMI पोर्ट दिया गया है, और अलेक्सा एंड क्विक टॉक जो है एप्लीकेशन इसमें इनबिल्ट आ रहा है, मतलब अगर आपको अलेक्सा से कोई काम है, आपको वायरलेस कमांड देना है तो आप अलेक्सा भी यूज़ कर सकते हैं, और क्विक ड्रॉप है जैसे आपको कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करना है विदाउट एनी केबल, डेटा केबल लगना जरूरत नहीं पड़ेगी, मोबाइल से डेटा आप लैपटॉप पर ले सकते हैं, लैपटॉप से डेटा मोबाइल पर ले सकते हैं थ्रू क्विक ड्रॉप टेक्नोलॉजी, HP का लेटेस्ट फीचर है, आप इसको यूज़ जरूर कीजिएगा। और बात करते हैं फीचर्स के बारे में, तो एडेप्टिव ब्राइटनेस फीचर है इसमें, एडेप्टिव ब्राइटनेस फीचर जैसे जैसे आपका डे लाइट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका लैपटॉप जो ब्राइटनेस है ऑटो एडजस्टमेंट हो जाएगा। सबसे खास बात यह है कि पावर ऑप्टिमाइजेशन फीचर भी है, जैसे पहले के लैपटॉप में क्या होता था कि अगर आप बैटरी को 100% तक चार्ज कर दिए और पावर केबल अगर आप स्टॉक प्लगिंग किए हुए हैं तो बैटरी आपका ओवर चार्ज हो जाता था, लेकिन इस लैपटॉप में ऐसा नहीं होगा, जस्ट बिकॉज पावर ऑप्टिमाइजेशन फीचर है कि अगर आप लैपटॉप 100% चार्ज हो गया और पावर केबल प्लगिंग है तो मदरबोर्ड ऑटोमेटिक सप्लाई इसका रोक देगा, तो ये बहुत ही यूजफुल फीचर है। इसके लिए इजी इंस्टेंट बैकअप है, इंस्टेंट स्लीप है, आप बहुत अच्छा इसमें वर्क कर सकते हैं स्लीप करना है तो, और सबसे खास बात यह है कि फास्ट चार्ज है, 50% चार्ज जस्ट 30 मिनट में हो जाएगा। सपोज आपको कहीं निकलना है, आपका बैटरी लैपटॉप का लो बैटरी है तो आप जस्ट इसको 30 मिनट के टाइम दीजिए, 50% चार्ज एमी हो जाएगा ये, ठीक है। FSD IPS इस पर मैं बता चुका हूँ इसका, और इसका प्राइस ऑफकोर्स
प्राइस वगैरह जाना चाहेंगे तो ये लैपटॉप अंडर 70,000 में बहुत बेहतरीन लैपटॉप है। ये काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है अभी, तो सबसे पहले जब लॉन्च हुआ था तो ये 69-72 का लैपटॉप था, अभी इसका प्राइस काफ़ी डाउन आ गया है। ये आपको लैपटॉप सिर्फ पड़ जाएगा 67,000 का प्राइस है, जिसमें भी आपको कैशबैक है, इंस्टेंट कैशबैक है, वारंटी ऑफर है, एग्जाइटिंग कैशबैक ऑफर है, क्रेडिट कार्ड पे, बजाज फाइनेंस पे, एचडी फाइनेंस पे आप इसको बेहतरीन लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं। देखो कितना फाइनेंस लैपटॉप, फाइन फाइन लैपटॉप है, डिज़ाइन कितना मेटल डिज़ाइन है इसका, आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये दिए पावर प्लस टेक्नोलॉजी है, मतलब इस लैपटॉप को किसी भी साइड से आप ओपन कर सकते हैं। आईफाई प्रोसेसर के साथ है, 12 जेन, तो कितना किफ़ायती लैपटॉप है। पवेलियन इसका फीचर्स है, इसमें पवेलियन का है, बीनो ऑडियो स्पीकर है, मॉडर्न टेक, मॉडर्न डिवाइस बोल सकते हैं इसको आप, क्योंकि थ्री फिंगर्स स्वैप कर सकते हैं इसको आप। ऑफिस 2021 के साथ ही आ रहा है, लाइफ टाइम आ रहा है। आईरिस एक्सी ग्राफिक्स है, 2 GB ग्राफिक्स है। आईरिस एक्सी ग्राफिक्स बताना चाहूँगा कि पहले जो MX 350 ग्राफिक आता था 2 GB, उसके इक्वेलेंट ही है ये आईरिस एक्सी ग्राफिक, ठीक। तो बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप आपका साबित हो सकता है ये लैपटॉप, आपका यूज़ करने के लिए, स्टडी के लिए, कंटेंट क्रिएटर के लिए, या ऑटोकैड या एडिटिंग करना है आपको, या एचडी पर्पस के लिए बहुत ही लाइट वेट है। फॉर ऑफिस यूज़ के लिए भी है, अगर आपको काम करना है लगातार, फास्ट काम करना है, बूट टाइम से बहुत फास्ट है, जस्ट 5 सेकेंड का बूट टाइम है, तो एक बहुत बेहतरीन लैपटॉप है पवेलियन DB2014, ठीक। बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कैशबैक या ऐसा उसके बारे में, फाइनेंस के बारे में, या कैशबैक है तो एक्साइटिंग कैशबैक ऑफर है। फाइनेंस इजी है, मतलब EMI अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड पे नो कॉस्ट EMI या लो कॉस्ट EMI है, आप इसको अपने नियरेस्ट HP वर्ल्ड पे विजिट करके ले सकते हैं, टच एंड फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।